दोस्तों, काफ़ी दिन के मुशक्क़त के बाद ढकना भी नहीं खोल पाया। पीछे बाइक खड़ी है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि मैं चाह रहा था इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं। वैसे अभी मैं हूँ इस जगह पे जहाँ पे मैं बैठ के अड्डा मारता हूँ। वो पीछे बैठने की जगह जहाँ पे हम लोग दोस्त लोग बैठते हैं, ये छोटा सा बैठने की जगह, ये वो ग्राउंड है जहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते हैं हर शाम। तो ये अपना अड्डा है। सो घर पर मन नहीं लग रहा था, ये शूट भी करना था तो आ गया। वैसे गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। एंड हाँ, टॉपिक पे आते हैं कि बाइक में बहुत सारी दिक्कत है जो मैं फेस कर रहा हूँ एंड वो सॉल्व नहीं हो रही। तो फाइनली जाके कुछ काम करवाया, बहुत दिन वेट किया, तब जाके मुझे ये वीडियो बनाने पे मतलब बनाना पड़ रहा है। ठीक है ना, बताता हूँ। ये है मेरी खूबसूरत बाइक। आपको पता है ये बाइक सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पावरफुल इंजन है। इस बाइक के इंजन में कुछ फॉल्ट नहीं है, सब कुछ एकदम ओके है। ठीक है, सो अभी अगर मैं बाइक में बैठूं, ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? ये आवाज़ आ रही है, नंबर वन। एक्चुअली मुझे लगा था कि ये आवाज़ एक्चुअली पहले भी हुआ था, जब मैंने बाइक परचेस की उसके पहले भी आवाज़ हो रही थी। सो आई थॉट कि चलो कुछ दिक्कत होगा। सो वो लोग बोले कि फर्स्ट सर्विसिंग में ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं वापस से गया, वापस से ठीक कराया, कुछ दिन तक आवाज़ नहीं थी, बट अभी फिर से आवाज़ आने लगी है। सो अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि हल्के फुल्के राइड में मतलब ये इतना आवाज़ कर रही है। सो ये बाइक पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग में कुछ दिक्कत हुआ है फिर किस में, मुझे पता नहीं चल रहा है, सॉरी। तो अभी ये जो आवाज़ है वापस से शुरू हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी जो मैं नेक्स्ट राइड करने वाला हूँ जो कि बड़ा होगा, उसमें कितना आवाज़ आएगा। ठीक है, नंबर वन दिक्कत ये था। नंबर टू दिक्कत ये था कि बाइक चलते चलते बंद हो जा रही थी, तो वो भी मैंने ठीक करवाया, शोरूम वाले ने करके दिया, बट अभी फिर से वो प्रॉब्लम है। मतलब ये इट्स बीन ओनली 10 डेज यार, मीन्स कि जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, बट ये फिर से वैसा हो रहा है। नंबर टू, नंबर थ्री जो कि इसका मेजर इशू मुझे लगता है, इसका हैंडल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा टेढ़ा है। स्टार्टिंग से ही मुझे एकदम फील होता है, और बाइक की हैंडल जैसे मैं छोड़ता हूँ ना वाइल ड्राइविंग, वो राइट की तरफ कटने लगती है अपने आप। दिखाता हूँ। सो ये मोमेंट को मैं चाहता हूँ कि आप लोग पॉज करें। बाइक का हैंडल जो है पूरा का पूरा सीधा है, आई मीन टायर के हिसाब से, कि बाइक अभी एकदम सीधा रन होगी, ठीक है, बट आप लोग इस मोमेंट को पॉज करें और बताएं कि हैंडल क्या मेरा सीधा है या नहीं। चलिए अब मैं आता हूँ। हैंडल बार जो है ये एक्चुअली आपको पता रहेगा कि मैंने एक दूसरा हैंडल बार लगवाया था जो कि ब्लैक कलर का था, यहाँ पे एक एंटी वाइब्रेशन रॉड भी दिया हुआ था। सो वो हैंडल बार चेंज करवाने का मतलब यही है, उन्होंने कहा कि ये स्टॉक हैंडल एक बार लगा के देखते हैं, शायद ठीक हो जाए। बट इसमें भी वही दिक्कत है, इसका मतलब मेरे हैंडल बार सही है। अभी वहाँ से भी मुझे रिप्लाई आया है कि ये जो मेरा टी सेट्स है जो कि कनेक्टेड है यहाँ से, सो वो पूरा का पूरा ख़राब है। ठीक है, तो वो अभी ऑर्डर दिया है उन लोगों ने, ये 2 हफ्ते होने को है, ये संडे शायद 2 हफ्ते हो गए, अभी तीसरे वीक का इंतज़ार करूँगा कब वहाँ से कॉल आया कि भाई तुम्हारा नया टी सेट्स आ चुका है, लगवाऊँगा, तब जाके ठीक होगा। मतलब ये हैंडल सेट्स, ये टी सेट्स है वही ख़राब है। इसीलिए जब भी मैं बाइक चलाता हूँ ना, जैसे ही मैं ऐसे हैंडल छोड़ता हूँ, बाइक ऐसे नहीं जाके ना इधर की तरफ जाने लगती है। द मोमेंट यू मतलब आप जैसे ही हैंडल छोड़ो, एकदम राइट वे बाइक ऐसे जाने लगेगी। सो देखो, आई नो कि हैंडल हम लोग क्यों छोड़ेंगे, दो हाथ छोड़ के कोई बाइक चलाता है नहीं, बट फिर भी ये दिक्कत है और ये मुझे हजम नहीं है। 3 लाख रुपए लगे इस बाइक में। सो मैं नहीं मानता ये सब। तो यही एक दिक्कत है। अभी मेन बात है कि ये बाइक में प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व होगी मेरी या नहीं, वरना मुझे ऐसे ही चलाना पड़ेगा। आप लोग प्लीज़ कुछ सजेस्ट करो, क्या करूँ मैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। एंड अभी एनफील्ड शोरूम की तरफ से कॉल आएगी तो ही ये बाइक मैं बना पाऊँगा, वरना ये बाइक सच में मेरी ड्रीम थी यार कि मैं ऐसी बाइक चलाऊँ, बहुत मुश्किल से खेल रहा है। एंड ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ना मेरे मतलब अच्छा नहीं लगता है। यू ऑल्सो नो कि कैसा फील होता है राइट, मतलब इतने मेहनत के बाद ऐसी मशीन लेने के बाद अगर वो थोड़ी प्रॉब्लम करे तो, ये पैसे देने में मैंने तो नहीं हिचकिचाया यार, प्रोडक्ट क्यों खराब यूज़ करूँ मैं। सो हिमालयन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इसके पहले भी, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, बट ठीक है मैं इस पर बिलीव नहीं किया, मैंने लिया। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हिमालयन या रॉयल एनफील्ड ने मुझे धोखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये सब
एक्चुअली हिमालयन जो वन एंड ओनली ऑफ इट काइंड बाइक है ये रॉयल इनफील्ड में, जो कि प्योर ऑफ रोडिंग के लिए बना हुआ है। अभी हिमालयन की दो न्यू वेरिएंट भी आने वाली है मार्केट पे, एक तो जहाँ तक 450 का जो मैं देख रहा हूँ हर जगह वो, एंड ये हिमालयन पे ना अभी भी पता नहीं ये सारे बाइक्स में है कि नहीं दिक्कत, वो मुझे सच में नहीं पता, बट बहुत सारे वीडियोज़ में ये सेम दिक्कत मुझे देखने को मिला था। बट इस पर वर्क करना चाहिए इनफील्ड को, राइट, कि क्यों हैंडल टेढ़ा मिलेगा, हैंडल मतलब टी सेट्स में क्या ऐसा दिक्कत है, क्योंकि वही मेन है यार, है ना। सो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड जब भी बाइक लो ना आप लोग, तो टेस्ट राइड जरूर करना, ये मेरी तरफ से एक टिप्स एंड एडवाइस आप बोल सकते हो। जब भी आप बाइक खरीदो उस बाइक की टेस्ट राइड होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, याद रखिएगा टेस्ट राइड। नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं आप लोग के साथ, देखते हैं क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।